पुराणों में मार्गशीर्ष महीने को पवित्र माना गया है। ये श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। इसलिए मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा बताई गई है। पुरानी कथा और धार्मिक मान्यताओं में भी पेड़ पौधों को पूजने का बहुत महत्व है। इन वृक्षों में केले का पेड़ भी पूजनीय है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अगहन महीने में केले की जड़ में पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में साक्षात देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। इसलिए अगहन महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त केले की जड़ में फूल, चंदन और जल चढ़ाकर केले की पूजा करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधी ऋषि थे। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। एक बार कंदली से ऋषि दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना हो गई। इससे वे कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप से कंदली राख बन गई। बाद में ऋषि भी इस घटना पर दुखी हुए। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को वृक्ष में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से हर पूजा व अनुष्ठान में इसका विशेष महत्व होगा। इस तरह केले के वृक्ष का जन्म हुआ और केले का फल हर पूजा का प्रसाद बना। वृक्ष पूजनीय मान्य हुआ। मार्गशीर्ष महीने में कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। महीने की एकादशी या गुरुवार को सूर्योदय से पहले मौन व्रत का पालन करते हुए स्नान करें। इसके बाद जहां भी केले का वृक्ष हो वहां उसे प्रणाम कर जल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि घर के आंगन में यदि केले का वृक्ष लगा हो तो उस पर जल ना चढ़ाएं। बाहर के केले के वृक्ष में ही जल चढ़ाएं। केले के वृक्ष पर हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें और साथ ही अक्षत और पुष्प चढ़ाकर केले के पेड़ की परिक्रमा करें और क्षमा प्रार्थना करें। आप भी इस महीने विधि पूर्वक करें पूजा और पाएं भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद।